बुलंदशहर में कोरोना का कहर जारी है, जबकि बीते 24 घंटे के अंतर्गत कोरोना से सिकंदराबाद निवासी दो लोगों की मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर भी सामने आ चुकी है, जिससे जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की संख्या 9 हो चुकी है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 243 तक पहुंच गई है, जिसमें 105 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 129 मरीज अभी भी उपचाराधीन हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सिकंदराबाद कस्बे के कंटेनमेंट जोन का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। कस्बे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने एवं बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं है। बैरिकेडिंग लगाकर पूरे क्षेत्र को सील किया गया है। जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शराबगीवाड़ा एवं छासियावाड़ा मोहल्ले के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर लोगों से लॉकडाउन की स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जानकारी लेते हुए फेस मास्क का वितरण किया गया। लोगों द्वारा बताया गया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है, जिससे लोग नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रह रहे हैं। साथ ही प्रशासन की टीम द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से कराई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण लगातार कर रही है। जिला प्रशासन बुलंदशहर द्वारा लोगों से कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। देश भर में 24 घंटे में 9,990 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,66,598 पहुंच गई है। 24 घंटे में 4,905 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में लगभग 1,29,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटे में देश भर में 331 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक इस वायरस से 7,466 मरीजों की मौत हो चुकी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।